हाय दोस्तों दिस इज जीएम सुष्मिता त्रिपाठी और मैं आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूँ बैंकिंग वाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तो होपफुली सब कुछ क्लियर होगा आप लोग सुन सकते हो देख सकते हो गए एवरीथिंग इज फाइन एंड वेल एंड गुड चलो तो आज हम क्या करने वाले हैं आज हम लोग मार्च के इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स कर रहे हैं ठीक है जो भी करंट अफेयर्स है यहाँ पे हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना उठ उसे उठा उठा करके कर रहे हैं मैं आप लोगों को फिर एक बात कहूंगी कि अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ और सिर्फ पूरी साल ना पढ़ो यहां पे आओ और छोड़ दो फिर उसके बाद से आपका जो है पांच दस दिन में पूरी तैयारी हो जाएगी वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है तो पहले तो मैं यही कहूंगी नेक्स्ट किसी भी एग्जाम की आप लोग अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है अगर नहीं कर रहे हो तो आगे जाके आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है ठीक है चलो शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल देखो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है किसने वेयर हाउस डेवलपमेंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ मिलकर के साइन किया है एक अग्रीमेंट ताकि फाइनेंस किया जा सके ईड एंड डब्ल्यू आर के अगेंस्ट केनारा बैंक यूनियन बैंक इंडियन बैंक बैंक ऑफ बड़ोडा या पंजाब नेशनल बैंक बताइएगा मुझे क्या आंसर मिल रहे हैं पी एन बी ई देट्स पीपल आर टेलिंग चलो देख लेते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा जो भी ट्रेड कर रहे हैं या जो भी फार्मर्स वगैरह हैं जो अपने एनडब्ल्यू आर को रख करके और उसके अगेंस्ट कुछ पैसा पाना चाहते हैं ठीक है तो ये चीज अभी ये सुविधा दे दी गई है सभी को पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा कि आपके पास में जो वेयर हाउसिंग रिसिप्ट होती है आप उसे रख दो और उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हो उसके अगेंस्ट में पैसे ले सकते हो ठीक है तो एक तरीके का ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज वाला काम कर रहा है जो यहां पर हो रहा है खैर इसे फैसिलिटेट करने वाला कौन है इसे फैसिलिटेट करने वाली संस्था का नाम है पंजाब नेशनल बैंक ओके okay? इसको साइन किया गया था इसी से ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस लाई जा सके और आसान तर पर इन्हें लोन मिल सके ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं बैंक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म स्विफ्ट ने रिसेंटली एक्सप्रेस किया था अपना ऑप्टिमिज्म जब इन्होंने पायलट टेस्ट किया था किया था था और कनेक्ट डिफरेंट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को अब आपसे जा रहा है कि स्विफ्ट में ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करने वाले होते हैं जहां पे आपको लंबी चौड़ी लाइन दे देता है अब इस पूरी लाइन को ना भी पढ़ो तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि स्विफ्ट में एस से क्या होता है लेकिन ये सिंपली क्या कर रहा है आपको कंफ्यूज कर रहा है ओवर अ पॉइंट ठीक है क्या तो इसका आंसर करिएगा सोसाइटी स्पीडी स्विंग सिक्योरिटी या स्विस्ट क्या आंसर मिल रहा है मुझे ए ए ए विच इज सोसाइटी ओके चलो देखते हैं जरा हम ध्यान दीजिएगा स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन ठीक है तो ये स्विफ्ट होता है और स्विफ्ट में जो एक खास बात होती है वो ये होती है कि एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है यानी कि एक देश का बैंक अगर दूसरे देश के बैंक के साथ में मिलकर के पैसों की लेन देन कर रहा है एक जगह का कस्टमर एक देश का दूसरे देश के साथ में तब स्विफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है जो स्विफ्ट होता है या तो ये आठ या फिर ग्यारह डिजिट का होता है ठीक है ये एक मैसेज कोड होता है आठ का भी हो सकता है ग्यारह का भी हो सकता है ग्यारह है? है जब यहां पर ब्रांच के कोड्स ऐड कर दिए जाते हैं खैर तो स्विफ्ट ने अभी अभी सराहा है ऑप्टिमिज्म लिया है जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज है उनके ऊपर ठीक है यही खबर थी स्विफ्ट का हेड ऑफिस कहां है अगर किसी को पता हो तो फटाफट आंसर करो वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ स्विफ्ट ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो सिटी ने रिसेंटली नाम किया है किसे अपने कमर्शियल बैंकिंग इंडिया का हेड और यही सिटी कमर्शियल बैंक के भी इंचार्ज होंगे बिजनेस सिटी कमर्शियल बैंक बिजनेस के मुंबई में भी इंचार्ज रहेंगे अशोक होल्लर तुषार विक्रम राजेश मखीजा भानु वोहरा या अमिताभ चौधरी देखो भाई इसका आंसर होगा भानु वोहरा ठीक है जरा ध्यान देते हैं सिटी ग्लोबल सब्सिडियरीज ग्रुप एमडी एंड इंडिया हेड भानु वोहरा इज नाउ द इंडिया हेड ऑफ कमर्शियल बैंकिंग और ये रिस्पॉन्सिबल होंगे सिटी कमर्शियल बैंक बिजनेस जो कि भारत के अंदर बेस्ड है ठीक है बेस्ड इन मुंबई ही विल रिपोर्ट टू सीईओ ऑफ सिटी इंडिया और सीईओ कौन है सिटी इंडिया के ये है अशुर ठीक है तो ये दोनों लोगों को याद रखेगा भानु वोहरा ठीक है और आशु खुल्लर यह आशु खुल्लर यहाँ पे सीईओ है और ये यहाँ पर पूरे बिजनेस हेड देखेंगे ठीक है तो ये दोनों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए नाउ मूविंग टू नेक्स्ट अगेन जो आई आई है इन्होंने इंक्रीज किया है इंश्योरेंस का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में ट्वेंटी से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है अपने असेट का इतना परसेंट यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं थर्टी फोर फोर्टी फिफ्टी या थर्टी

इंश्योरर्स की बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंसेंट कर सकते थे लेकिन अबाउट आई आर डी ए आई तो आई आर डी आई क्या होता है ये एक संस्था होती है जो पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को देखने का अपना काम करती है ठीक है और अभी फिलहाल में इनकी चीफ कौन है ये आप लोग बताओ द करेंट चेयरमैन ऑफ आई आर डी ए आई मूविंग टू नेक्स्ट अगेन जैसा कि नई आरबीआई के नॉर्म्स हैं जो मैक्सिमम फीस होगा जो कि चार्ज कर सकते हैं पर ट्रांजेक्शन जब भी फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं ये कितना हो सकता है ट्वेंटी थ्री फिफ्टी थर्टी ट्वेंटी वन या थर्टी फाइव देखो ये जो आ, ये जो चेंज किया गया था ये एक जनवरी के बाद से चेंज किया गया था ठीक है पहले लोग जो है बीस रुपए किया करते थे अब उसको बढ़ा करके इक्कीस तक कर दिया गया तो जरा ध्यान दीजिएगा बैंक कस्टमर्स को अब इक्कीस रुपए प्रति ट्रांजेक्शन पे करना होगा जो कि पहले बीस रुपए हुआ करते थे ये नया शुरू किया गया था इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू अगर कभी भी अपनी फ्री ट्रांजेक्शन की जो आपको लिमिट मिलती है ना अलग अलग एप्स वगैरह पे, पे अगर आप उसे क्रॉस करते हो उस केस में आप ठीक है खैर और जो बैंक से इन्हें अलाउ किया गया है कि ये हायर इंटरचार्ज फी लगा सकते हैं एटीएम ट्रांजेक्शन पर और इसे इंक्रीज कर दिया गया है सेवेंटीन कहाँ से बढ़ाकर कर दिया गया फिफ्टीन रूपीज से बढ़ा करके किया गया है ठीक है तो ये पॉइंट्स पे जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो मार्च 2023 में किससे अपॉइंट किया गया था सीईओ और एमडी टाटा पावर का फॉर अ पीरियड ऑफ फोर इयर्स ऑप्शंस हैं श्रीकांत वेंकटेशच्री ललित कुमार गुप्ता मनमीत के नंदा यमन या फिर प्रवीर सिन्हा पीएस एस एस वॉट प्रवीर सिन्हा उनको शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं सब श्रीकांत वेंकटाचारी को हम लोग एस वी कहेंगे गजबी बात करते हो सबके सब बिल्कुल जरा ध्यान दीजिएगा प्रवीर सिन्हा जो कि अभी तक सी एम थे टाटा पावर 2018 से इन्हें अपॉइंट किया गया है अगले चार साल के लिए ठीक है फॉर अनादर फोर ईयर टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम May 1, 2023, until April 30, 2027. इनका जो दो हजार सत्ताईस तो दोस्तों डॉक्टर सिन्हा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मार्च दो हजार तेईस में किस कंट्री ने एक डील साइन किया था कि वो ज्वाइन करेगा ट्रेड पैक्ट विथ इलेवन एशिया नेशन यूएसए जापान यूके रशिया या कुछ भी नहीं करो दोस्तों फटाफट किस कंट्री ने किया आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है देखो यह करने वाला कौन है ब्रिटेन ने अभी इलेवन की जो एशिया पैसिफिक ट्रेड ब्लॉक है इसको ज्वाइन किया है ठीक है दैट इंक्लूड्स जापान एंड ऑस्ट्रेलिया आफ्टर नियरली टू ईयर्स ऑफ नेगोशिएशन तो इनकी जो भी बातें हो रही थी वो दो साल से चल रही थी अब जाकर ये खत्म हुई है तो इसको ब्रिटेन ने फाइनली ज्वाइन करने को कहा है इसके अलावा जो डील है ये आ, बेसिकली अग्री कर रहा है कि वर्ल्ड वाइड रेट को क्या करेंगे ये लोग ज्यादा से ज्यादा पुश करेंगे बिकॉज जब से ये अपना ब्रेग्जिट वाला इनका डील हुआ था उसके बाद से यूके के ट्रेड में बहुत डिफरेंसेज आए तो उसको ओवरऑल पूरा करने के लिए ऐसे बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मार्च 2023 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इंडियन आर्मी के लिए 9, में. अकाश लोकेटिंग वन या करोड़ रूपए रफेल आपको बताना है कि क्या क्या खरीदने को कहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन आर्मी के लिए ऑप्शन में आपको दिख रहा है वन एंड टू टू एंड थ्री वन एंड थ्री तीनों या कुछ भी नहीं बताइएगा वन टू तो है वन टू बोले तो आकाश वेपन और बारह वेपन लोकेटिंग रेडार है का आप को थोड़ा सा टेंशन हो रहा है रफेल. देखो जब भी हम लोग बात करते हैं रफेल की कि ये किस कंट्री को बिलोंग करता है ये बताना ये किस पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग करता है हालांकि ये बहुत इजी हो रहा है स्टिल ट्राई आंसरिंग एटलीस्ट वंस चलो देखो तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि ये प्रोक्योर करेंगे इंप्रूव्ड आकाश वेपन सिस्टम और बारह स्वाति प्लेन इंडियन आर्मी के लिए कितनी कॉस्ट कॉस्ट पर पर 9100 करोड़ रुपीस की पर. तो जरा अब हम लोग इधर आ जाए हमें क्या मिलेगा वन एंड टू क्योंकि थर्ड की कोई भी इनकी डील नहीं की गई है ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो मार्च दो हजार तेईस में किसी फॉर्मली री एलोकेटेड द गोल्ड मेडल इन 400 मीटर हर्डल्स बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी बिकॉज ऑफ द डिसक्फिकेशन ऑफ इन फॉलो फ्रॉम रशियन ड्रॉपिंग स्कैंडल ऑप्शन है Walker, Beard, Demers, या फिर, okay, मुझे क्या आंसर्स मिल रहे हैं बी बी यानी कि जेसिका बियर्ड और कोई बताना चाहेगा देखो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा लशिंडा डेमिस ठीक है जरा ध्यान दीजिएगा अमेरिकन रनर लशिंडा डेमिस ऑफिशियली ओलंपिक चैंपियन बनी है चालीस साल की उम्र में एंड मोर देन अडिकेट आफ्टर ट्वेंटी ट्वेल्व लंडन गेम्स ठीक है डेमस जो है ये फॉर्मली इन्हें री कर दिया गया था गोल्ड मेडल चार सौ मीटर हर्डल्स में ठीक है किसके द्वारा किया गया था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा बिकॉज जो हमारी ये रशियन डोपिंग स्कैंडल में पकड़ी गई थी और इन्हें डिस्कालीफाई कर दिया गया तो इट गोज टू लशिंडा डेमस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हु वन द हुई इंटरनेशनल ओपन चेस टाइटल ऑन थर्टी मार्च भारली बद्राप्ते रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल अरविद चिदम्बरम संपन्न रमेश रमेश सलरिया नन ऑफ दी अबव चलो आंसर्स करो सभी लोग ओके okay. बहुत स्लो स्लो आंसर्स कर रहे हैं सब आराम आराम से सुस्ती आती आती जा रही, आती जा रही रही है देखो दोस्तों अरविंद चिदम्बरम केम अप अपट एंड अदर क्लिनिकल फिनिश टू एंड द रेजिस्टेंस ऑफ लिवान पटसुलिया फॉर द डेली इंटरनेशनल ओपेंचर्स टाइटल आपसे यहां पे किसका ऑप्शन दिया हुआ था अरविंद चिदम्बरम एज पर द ऑप्शन आंसर सी विल बी करेक्ट ठीक है चलो अगला देखो हु विल लीड इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया बिजनेस अंडर द कंपनीज एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट इंडिया एंड अफ्रीका स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट विप्रो का इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया बिजनेस कौन लीड करने वाला है एशिया पैसिफिक मिडिल ईस्ट इंडिया और अफ्रीका स्ट्रेटेजिक मार्केट यूनिट के अंदर प्रणव हरिदसन बद्री श्रीनिवासन अजय सिंह उपेंद्र कुमार सिन्हा या फिर नन ऑफ दी अब क्लास मेरी नहीं हो रही है ना किसी और की तो हो रही है कहीं पे तो तुम लोग क्लास कर सकते हो ऐसा थोड़ी ना है कि एक टीचर नहीं पढ़ा रहा तो तुम लोग देखना छोड़ दोगे का तो मतलब ये नहीं होता है कि अगर मैंने नहीं पढ़ाया सीए तो यू यू पीपल पीपल विल विल स्टॉप स्टॉप रीडिंग ठीक है जो मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप तो कतई हार्ड कर दिए लाइफ मैं कोई हार्ड वर्क नहीं की हूँ यार तुम लोगों का काम है सिलेक्शन लेना ठीक है एक टीचर को सोच के कि ये सीए पढ़ाएगा तभी मैं पढ़ूंगा ऐसे नहीं करना है किसी को भी ये बहुत बड़ी बेवकूफी होगी सो यू ऑल शुड वॉच सी ए या तो पढ़ो या तो देखो बहुत सारे सोर्सेज है हमारी चैनल पर भी हो रही है बस आप लोगों को लेकिन देखना है यार हमारा जो काम है वो है उसे देखना है ना तो देखा करो चलो अब जरा यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन लीड करने वाला है विप्रो का इंडिया साउथ ईस्ट एशिया बिजनेस आपसे पूछा हुआ था जरा ध्यान दीजिएगा इन लोगों ने अनाउंस किया है कि बद्री श्रीनिवासन जो है ये लीड करने वाले इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया बिजनेस को कंपनीज एपीएमईए के अंदर अब ये ये एपीएमईए क्या है आप लोग देख रहे हो इसका आंसर कर सकते हो ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आरबीआई ने कंडक्ट किया था चौदह दिन का वेरिएबल रेपो, रेपो रेट ऑप्शन दस मार्च को ताकि एक ट्रिलियन रुपए तक इंजेक्ट किया जा सके ये कौन से नंबर का वेरिएबल रेपो, रेपो रेट ऑप्शन है जो कंडक्ट किया गया है आरबीआई के द्वारा फरवरी दो के बाद थर्ड सेकेंड फोर्थ फिफ्थ या फिर सिक्स चलो आंसर्स करो दोस्तों मुझे क्या आंसर्स मिल रहे हैं सिक्स कोई और इंटरेस्टेड जो बताए मुझे मुझे ये लग रहा है तुम लोग कितनी बार इसको पढ़ो कि छठी बार हो गया होगा मैं तो एक दो एक दो तीन बार ही सुनी होंगी इसके बारे में देखो जरा आरबीआई ने कंडक्ट किया था चौदह दिन का वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन ठीक है मार्च दस को ताकि एक लाख करोड़ रुपए तक बैंकिंग सिस्टम में भेजे जा सके ये दूसरी बार ही है जब वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन को कंडक्ट किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा दो फरवरी के बाद से जो लिक्विडी डेफिसिट थी बैंकिंग सिस्टम में उसको खत्म करने के लिए इतने पैसे इंजेक्ट किए गए ठीक है तो इंजेक्ट करने का मतलब होता है कि मार्केट में वो पैसे भेजना है हो हो रहा है? ये टाइम हो रहा है है ये टाइम टाइम ना कि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस स्टेट ने डिस्ट्रीब्यूट किया करोड़ रुपए एक स्पेशल इनिशिएटिव की तरह तीन टी स्टेट्स को ताकि जो भी एडवर्स इंपैक्ट इनके ऊपर आया था कोविड का वो खत्म किया जा सके या उसको मिटिगेट किया जा सके आसाम वेस्ट बंगाल तमिलनाडु केरला या फिर झारखंड गुड मॉर्निंग आसाम मुझे आंसर्स मिल रहे हैं कुछ लोग केरला भी बता रहे हैं और कोई कुछ बताना चाहेगा नहीं बताओगे ओके okay, अब जरा ध्यान दो सभी असम सरकार ने डिस्ट्रीब्यूट किया है 64 करोड़ रुपए एक स्पेशल इंसेंटिव की तरह लगभग 370 सौ टी स्टेट्स को ताकि जो भी इंपैक्ट था कोविड 19 का टी बिजनेसेस के ऊपर उसको खत्म किया जा सके तो जो चीफ मिनिस्टर है हिमांत बिस्व शर्मा इन्होंने अनाउंस किया है कि ये ट्वेल्व पर किलोग्राम रुपए का सब्सिडी भी देंगे ठीक है दो हजार ईयर के लिए जो टी इंडस्ट्री है वो असम इकोनॉमी का क्या माना जाता है बैकबोन माना जाता है ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया था तीन कॉन्ट्रैक्ट कितने रुपए का ताकि जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है अपनी देश की इसको बढ़ाई जा सके फोर्टी टू हंड्रेड करोड़ फिफ्टी फोर हंड्रेड करोड़ थ्री सिक्स एट जीरो करोड़ सिक्सटी फाइव हंड्रेड करोड़ या फिर नन ऑफ दी अबव डीडी डी डी यानी कि सिक्सटी फाइव हंड्रेड करोड़ आओ देख लेते हैं जो डिफेंस मिनिस्ट्री है ताकि अपने देश की जो डिफेंस केपेबिलिटीज है किया गया था, के द्वारा और यहाँ पे प्रोक्योर किया जाएगा ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग सिस्टम प्रोजेक्ट आकाश थीर वर्थ रुपीज वन नाइन एट टू करोड़ फ्रॉम इंडियन फॉर द इंडियन आर्मी अब ये देख लीजिएगा की जो आप लोग ये देख रहे हो आकाश थीर और एयर डिफेंस कंट्रोल ये किस पर्टिकुलर फोर्स के लिए लिया जा रहा है और कितने रुपए में दिया जाए जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है ये बीएल से है ये क्या है यहां पर सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम लिया जाएगा फोर वन टू करोड़ की कॉस्ट पर ये एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर होता है और इसे एयर डिफेंस जो इंडियन आर्मी की है क्वालिटी उसको और बेहतर किया जाएगा तो ये पॉइंट भी आपको देखना होता है किस पर्टिकुलर फोर्स के लिए कितने रुपए का लिया जा रहा है

आकाश फोर सी विच इज प्रहार थर्ड तुक्के पे तुक्के तुक्के पे तुक्के चलो देखो भारत डायनेमिक लिमिटेड ने कंडक्ट किया था एक फील्ड फायरिंग टेस्ट किसका अपना थर्ड जनरेशन मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोगा थर्ड का ठीक है और ये इंडिजिनस मिसाइल है इंडिजिनस का मतलब जो कि स्वदेशी है तो ये इंडिजिनस मिसाइल है जिसको डेवलप किया गया था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये किसके अंडर शुरू किया गया था मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया है ना तो मुझे ये बताओ ये किसके अंडर इसकी शुरुआत की गई थी अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों जो सेकेंड जी ट्वेंटी शेरपा मीटिंग है इंडिया जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी के अंडर इसकी चेयरमैनशिप की जा रही है इंडिया की जी ट्वेंटी शेरपा अमिताभ कांत जी के द्वारा ये किस जगह पर होने वाला है अल्मोरा वारंगल कानपुर कुमारकोरम कुमार, या फिर नन बहुत चीजें पढ़ाई हुई भी भूलती हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं तुम लोग आंसर्स करो बस फटाफट मुझे क्या आंसर्स मिल रहे हैं सी और कुछ लोग कह रहे हैं ए ए बोले तो अल्मोरा सी बोले तो कानपुर आपसे पूछा क्या है जो सेकेंड जी ट्वेंटी शेरपा मीटिंग हुई थी जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी के अंडर ये कहां पर हुई थी ओके तो जरा देखो जो सेकेंड मीटिंग हुई थी जी ट्वेंटी शेरपा की ये आ, बेसिकली इसको लेकर के बहुत सारी बात हुई थी और

ठीक है तो आप लोग कह सकते हो कि हाँ, दिस विल बी आंसर ऐसे अगर दिया जाता है जनरली तो वो आप लोगों को, को देगा या फिर डिस्ट्रिक्ट या सिटी ना देके सीधा सीधा आपको स्टेट देगा ठीक है इस तरीके से क्वेश्चंस को नहीं घुमाता है चलो तो नेक्स्ट देख लो जो पहली मीटिंग हुई है इंडिया रशिया वर्किंग ग्रुप की रोड्स और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे ये अभी अभी किस शहर में हुई थी मॉस्को न्यू डेली मुंबई न्यूयॉर्क या फिर रशिया उमार में भी था ना मुझे इतना तो नहीं याद है यार इतने डेप्थ में मैंने नहीं देखा है चलो मुझे क्या आंसर्स मिल रहे हैं बी 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 और जरा हम बातें करते हैं आपसे पूछा जा रहा है जो पहली मीटिंग हुई है इंडिया रशिया वर्किंग ग्रुप की रोड्स और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे ये किस शहर में की गई थी है ना जरा हम देखते हैं तो जैसे आप देख सकते हो ये जो पूरी मीटिंग हुई है ये नई दिल्ली में की गई थी अट्ठाइस मार्च को जो वर्किंग ग्रुप है इसकी की गई थी एमओ साइन जब किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट रशियन फेडरेशन के बीच में तब हुआ था ये सेप्टेम्बर ट्वेंटी में ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो इंडिया का जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट है ये ग्रो करेगा लगभग कितने परसेंट से यूएसडी 710 बिलियन डॉलर तक एफ आई में दस बारह चौदह सोलह या फिर बाईस किशोरी प्रिया तुम कहीं एंजल प्रिया तो नहीं हो ट्वेंटी टू परसेंट से ओके और कोई कुछ अपना राय देना चाहेगा ओके देखो दोस्तों आपसे पूछा क्या जा रहा है ना कि जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट है ये कितने परसेंट से राइज करेगा एक्सपोर्ट तो हम पढ़ते रहते हैं जरा इंपोर्ट को भी देख लेते हैं जरा देखो इंडिया का जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट है ये ग्रो करने वाला है लगभग 16 परसेंट से और कितना रहेगा ये 710 बिलियन डॉलर तक रहेगा ऐसी 16 से हो रहा है और कितना हो जाएगा 710 बिलियन डॉलर तक ओके okay. चलो नेक्स्ट देखो किस कंट्री ने लॉन्च किया अपना नेशनल जिनोम स्ट्रेटेजी दो मार्च में यूके यूए जापान रशिया या फिर फ्रांस इट्स ओके इट्स ओके प्रिया यू कीप ऑन आंसरिंग ठीक है बोलने दो तुम पहले आंसर्स करते चलो हाँ तो जरा ध्यान दो किस कंट्री ने लॉन्च किया था अपना नेशनल जिनोम स्ट्रेटेजी 2023 मार्च के अंदर ऑप्शन है यूके यूए जापान रशिया या फिर फ्रांस थोड़ा सा जल्दी बताने की कोशिश आ, कोशिश करो बिकॉज ज्यादा टाइम अगर हम रिविजन को दें ठीक है वो ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होने वाला है तो देखो यूए ने लॉन्च किया अपना नेशनल जिनोम स्ट्रेटेजी ठीक है किसने लॉन्च किया था यूए ने लॉन्च किया था जिससे कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेटिव और गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाया जाएगा ताकि डेवलप किया जा सके प्रोग्राम्स को विल बी व्हाट यूएई ठीक है अगला देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्चुअली एड्रेस किया था लीडर लेवल सेशन समिट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन मार्च ट्वेंटी नाइन कौन सा कंट्री है जो इसको होस्ट कर रहा है इजराइल ग्रीस इंडिया साउथ कोरिया या फिर अमेरिका

कौन-कौन से -कौन से देश के के हैं? और और वो भी इसको address करेंगे। इस summit से basically democracies को ज़्यादा बनाया जाता है, है? ठीक ताकि लोगों के साथ बेहतर काम कर सके अपनी डेमोक्रेसीज तो यहाँ पर इन्होंने बस इसे एड्रेस किया था बाकी किसने होस्ट किया इस पूरी-पूरी को? तो ये साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने किया था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ईपीएफओ ने डिसाइड किया है कि ये एक इंक्रीमेंट लाएंगे 0.05 परसेंटेज का प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट के इंटरेस्ट के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि इसको लगाने के बाद से जो नया रेट होगा 2022-23 का ये कितना हो जाएगा 8% 8.15 8.30 8.55 या फिर None of the above मुझे क्या आंसरस मिल रहे हैं 8.15 8.15 चलो आओ जरा देख लेते हैं दो जो ईपीएफओ है इन्होंने इंटरेस्ट रेट को अभी-अभी फिक्स कर दिया है 8.15% के लिए 2022-23 में जैसा कि प्रेस रिलीज किया गया था जो सेंट्रल बोर्ड है इन्होंने रिकमेंड किया था 8.15% एनुअल रेट इंटरेस्ट रेट का रहेगा जो कि क्रेडिट किया जाएगा ईपीएफ एक्युमुलेशंस पर ठीक है और ये जो हाइक है 0.05% का दिया गया है लास्ट ईयर जो इंटरेस्ट रेट था 8.10% था ये अभी तक के सबसे लो इंटरेस्ट रेट में से एक था ठीक है नेक्स्ट जैसे कि लेटेस्ट रिपोर्ट रिलीज करी गई थी एस ये कहा रिसर्च बैंक है कि ये विटनेस करेंगे कितना परसेंट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अपने ओवरऑल एडवांसेस में यानी कि जो बैंक्स एडवांस ऑफर करते हैं ठीक है इसमें कितने परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी 10 से 12 परसेंट बारह से 13 परसेंट तेरह से 14 परसेंट ग्यारह से 12 परसेंट या फिर 14 से 15 परसेंट ओके okay. तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहे हैं दस से बारह परसेंट है ना आओ देखते हैं ध्यान दीजिएगा एसबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक जो बैंक्स हैं ये बारह से तेरह परसेंट इयर ऑन ईयर ग्रोथ अपने वहां पर एक्सपीरियंस करने वाले हैं और ये भी कहा जा रहा है कि पंद्रह से सोलह परसेंट इनकी क्रेडिट ग्रोथ होगी यानी जो लोन देते हैं उसमें 15 से 16 परसेंट तक इनकी ग्रोथ होगी जो डिपॉजिट ग्रोथ है यह बहुत ज्यादा नहीं हो रहा बहुत ज्यादा डिपॉजिट ग्रोथ नहीं होना बहुत अच्छी बात भी नहीं है खैर तो डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर के कहा गया है दस परसेंट या ग्यारह परसेंट पर दो हजार तेईस चौबीस में ठीक है फिर जो बैंक का क्रेडिट डेटा है बैंक क्रेडिट फरवरी दो हजार चौबीस तक फिफ्टीन पॉइंट फाइव नाइन ट्रिलियन थी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके याद रखने के लिए आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाया एंड एवरीथिंग वो आप देख सकते हो

157.90 करोड़ 114.87, 95.34 करोड़ 180.11 करोड़ या फिर 203.65 करोड़ देखो जो डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन की गई थी बाय वे ऑफ टैक्स डिडक्टेड एक्ट एट सोर्स अंडर सेक्शन वन नाइन्टी फोर एस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑन पेमेंट मेड अपॉन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल टू रूपीज वन फाइव सेवन पॉइंट नाइन करोड़ अपट ट्वेंटी मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ठीक है तो कितने तक हुई है कलेक्शन की, की गई है अगला आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कंट्री ने रिसेंटली कमिट किया था कि ये सात हजार चौरासी दशमलव पांच करोड़ रुपए भारत को देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जिसमें तीन प्रोजेक्ट्स होंगे पटना मेट्रो रेल कंस्ट्रक्शन राजस्थान वाटर सेक्टर और ओवरऑल लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट किया जाएगा आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो राशि है इससे कौन भारत की मदद करने वाला है साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया जापान फ्रांस या फिर डेनमार्क

ट्रांसफरेंस पीपीआई का इस्तेमाल करके इस पे कितना इंटरचेंज फी लगाया जाएगा 1 .1, या फिर काफी तेजी से मुझे आंसर मिल रहे हैं सभी के जरा देखो एनपीसीआई ने बताया है एक सर्कुलर में कि वन पॉइंट वन परसेंट का इंटरचेंज फी लगाया जाएगा यूपीआई ट्रांजेक्शन पे अगर दो हजार से ज्यादा की ट्रांजेक्शन की जा रही है

यस yes, इसका आंसर क्या है दोस्तों छत्तीसगढ़ ठीक है जरा ध्यान दो यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ अफेयर यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स या यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स कहना ज्यादा अच्छा है होम होम अच्छा नहीं है यार इन्होंने बताया है कि ये छत्तीसगढ़ गए थे जो कि माउस्ट हिट बस्तर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है यहाँ गए थे ताकि एटी एनुअल रेजिंग डे में पार्टिसिपेट कर सकें किसकी सीआरपीएफ की ओके ये छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है, okay, चलो. से पूछ रहा है किस कंट्री ने अनाउंस किया है कि बैन किया जाएगा रिक्रिएशनल यूज पॉपुलर साउथ मीडिया एप्स का जैसे कि टिकटॉक ट्विटर इंस्टाग्राम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ओनिंग टू कंसर्न सराउंडिंग डेटा सिक्योरिटी डेटा सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए या उसे डेटा को बचाने के लिए जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, इनके लिए बैन कर दिए जाएंगे टिकटॉक, ट्विटर इंस्टाग्राम वगैरह कहां पर ऐसा किया जाएगा जर्मनी अर्जेंटीना इटाली फ्रांस या फिर रशिया बताइएगा

मेमोरियल ब्लॉक ऑफ कर्नाटका कर्नाटका किया गया है बगल कोट चमर सॉरी चमरा राजनगर चिक्का बल्लापुर बेलागवी या नन। चिक्का बल्लापुर तो आप शायद जानते हो गए अक्सर आधियोगी वगैरह की वजह से आंसर करो थोड़ा सा खतरनाक है यहाँ पे आंसर भी चिक्का बल्लापुर है मुझे सबसे मुश्किल ये काम लगता है कहना ठीक है चमरा राजनगर बहुत मुश्किल मुझे ये काफी टाइम से जब मैं तमिलनाडु में भी थी वहां पर भी एक दो ऐसी जगह हुआ करती थी जिसका नाम मैं प्रोनाउंस अभी तक नहीं कर पाती हूँ ठीक है थोड़ा डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर ज्यादा होता है एनी anyway, देखो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनोग्रेट किया था श्री सॉरी श्री श्री मधुसूदन साई साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड एंड रिसर्च राजेश्वरी मेमोरियल ब्लॉक ठीक है अ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एट सत्य साई ग्राम मुद्देन हालई इन चिक्काबल्लपुर डिस्ट्रिक्ट ठीक है तो ये कहा गया दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट याद रखेगा ओके okay? और ये अकेडेडमिक ईयर 2023 शुरू भी कर देंगे दैट इज आल्सो समथिंग इंपॉर्टेंट अगला देखो गॉर्डन ई मोरे पास अवे ऑन मार्च 2023 ये को फाउंडर किस चीज के थे क्वालकॉम इंटरल माइक्रोन टेक्नोलॉजी आई या फिर न ओके okay, अभी मुझे क्या आंसर मिल रहे हैं इंटेल 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 यस सही बता रहा हूं देखो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गोर्डन मूरे ये को फाउंडर कहां के थे तो ये इंटेल कॉर्पोरेशन के को फाउंडर थे इनकी डेथ हुई थी कुछ दिन पहले ठीक है आ, अब इनके बारे में ये सब नहीं बात करनी है कि ये कहा जाना चाहते थे कहा नहीं गए ये हमें याद रखना है किस कंट्री को बिलोंग करते थे किस फील्ड को बिलोंग करते थे किस कंपनी को बिलोंग करते थे ये तीन पॉइंट्स पॉइंट्स थी और वो तीनों आपको पहले ही लाइन में दिख गई होगी अगला क्वेश्चन देखो जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है इन्होंने एक्सटेंड किया है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट नाइनटीन अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ पार्ट में कितने महीनों के लिए ये अफसा को एक्सटेंड किए हैं तीन छह आठ दस या फिर बारह

फॉर सक्सेसफुली होस्टिंग हॉकी मेन्स वर्ल्ड कप 2023 इनमें से किसे अवार्ड अवार्ड किया गया है बेस्ट ऑर्गेनाइजर एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा फॉर सक्सेसफुली होस्टिंग हॉकी मेन्स वर्ल्ड कप जहां भी हुआ था उससे आप लोग खुद ही अपना दिमाग लगा सकते हो ऑप्शन है आपके पास सिंगापुर हॉकी हॉकी इंडिया यूक्रेनियन हॉकी रशियन हॉकी या फिर नन ऑफ दी अब हॉकी इंडिया मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं आंसर्स मिल रहे हैं चलो देखते हैं जरा

रिसेंटली स्टेक it, ये सेड होगा सेड़ नहीं होगा इट्स अ स्टेक इन रशियन जॉइंट वेंचर कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी एल टू अदर वेंचर पार्टनर एसबीआई फॉर अबाउट वन टू वन नाइन करोड़ किसने ये बताया है कि इनका जो स्टेक था रशियन जॉइंट वेंचर कमर्शियल इंडो बैंक में ये इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया है वन टू वन पॉइंट टू नाइन करोड़ में ये किसने बताया बैंक ऑफ बड़ोड़ा पंजाब नेशनल बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक देखो रशियन ज्वाइंट इंडो बैंक है ठीक है अब इस कमर्शियल इंडो बैंक में SBI के बताया है कि जो इनका स्टेक था रशिया की जॉइंट वेंचर कमर्शियल इंडो बैंक के अंदर ये इन्होंने दूसरे वेंचर पार्टनर यानी एसबीआई को बेचा है वन टू वन पॉइंट टू नाइन करोड़ में ओके अगला क्वेश्चन है UIDAI को किस ईयर में एस्टेब्लिश किया गया है 2009 2012 2015 2013 या फिर 2016 क्या आंसर बताओ 2012 2009 UIDI और जो आपकी सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक शन सिक्योरिटी होती है सेट्स ठीक है बेसिकली इन्होंने बताया है कि ये अभी क्या करने करने वाले हैं अग्री किए हैं कि कोलैबोरेट करेंगे और एक आर एंड करेंगे यानी रिसर्च डेवलपमेंट करेंगे ताकि डेवलपमेंट की जा सके टूल्स की प्रोडक्ट्स की डीप टेक डोमेन्स के अंदर एक और भी पॉइंट याद रख के रहेगा कि जो यूआईडी आई है इन्हें पिछले तीन महीनों से या तीन बार से ग्रीवां रिड्रेसल का जो है अवार्ड दिया जा रहा है कॉन्टिन्यूस तो ये भी काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी लोगों के याद रखने के लिए ठीक है खैर आपसे क्वेश्चन में बेसिकली यू आई डी आई की बात की जा रही थी कि इसकी कब शुरुआत हुई थी कब बनाया गया था मुझे क्या आंसर मिले थे 2009 एंड टू ठीक है देखो बेसिकली जो ये पूरा इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इसका ये जुलाई 2016 में किया गया था और जो हमें आधार वगैरह मिलते हैं ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही संस्था होती है खैर तो वो आप लोग देख लीजिएगा ठीक है बाकी इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो आपके लिए थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। पीडीएफ आप लोगों को आज भी वही मिल जाएगी जहां कल मैंने दी थी मेरे टेलीग्राम पर वहां आप लोग ज्वाइन कर लो वहां आपको मिल जाएगी ठीक है अगला देखो आरबीआई कंडक्ट करने वाला है कितने दिनों का वेरिएबल रेपोरेट ऑप्शन पचहत्तर हजार करोड़ का चौबीस मार्च को इंस्टेड ऑफ द मेन ऑपरेशन ऑफ फोर्टीन वेरिएबल दस सात इक्कीस पांच अठारह कितने दिनों का एक वेरिएबल रेपोरेट ये ऑप्शनिंग के लिए और सॉरी वेरिएबल रेपोरेट ऑप्शन कंडक्ट करने वाले हैं हाँ अभी जैसे सेशन एंड होगा वैसे मैं दे दूंगी ठीक है मुझे क्या आंसर डे है ना चलो देख लेते हैं आरबीआई ने कहा है कि एक पांच दिन का जनरली जब भी आप लोग वेरिएबल रेपो वगैरह सुनोगे तो सेवन ट्वेंटी का वेरिएबल रेपो रेट ऑप्शन है जिसमें पचहत्तर हजार करोड़ रुपए की क्या होगी ऑप्शनिंग की जाएगी ओके अगला क्वेश्चन देखो करूर वैसे बैंक ने एग्जीक्यूट किया है एक एग्रीमेंट एक एडिशनल बैंक का पार्टनर लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी में एस लाइफ के साथ अब आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये करने के बाद से पूछा गया करूर व्यासिया बैंक कहां पर लोकेटेड है किस स्टेट में महाराष्ट्र कर्नाटका केरला तमिलनाडु या फिर तेलंगाना मुझे क्या आंसर्स मिल रहे हैं कर्नाटका 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 और थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं तो देखो करूर वैसे बैंक ने एग्जीक्यूट करने को कहा है एक एग्रीमेंट एक एडिशनल बैंक पार्टनर की तरह से लाइफ इंश्योरेंस कैटेगरी में एस लाइफ के साथ थर्सडे को ठीक है बैंक अश्योरेंस क्या होता है जहां पर एक बैंक और एक इंश्योरेंस दोनों ही कंपनीज मिल करके और अपने प्रोडक्ट्स के लिए साइन ऑफ करती हैं जहां पे एक इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो अपने प्रोडक्ट किसको बेच सकती है वो अपने प्रोडक्ट कर्नाटक या केरला इस पे भी आते हैं अपने प्रोडक्ट किसी बैंक को बेच सकते हैं आपसे पूछा गया था कि इनका हेड ऑफिस कहां पर होता है ये करूर केरला के अंदर होते हैं ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यस yes. केरला ओके बैंक प्लस इंश्योरेंस करेक्ट दुख परेशानी आज बहुत लो लो हो सभी लोग बहुत खोए खोए से कोई दिक्कत दुख परेशानी सब ठीक है ओके okay. ठीक है इट लोकेटेड इन केरला अगला देखो किस कंट्री के साथ इंडिया ने कंडक्ट किया था कॉनकर 2023 ट्वेंटी थ्री एट ज्वाइन मैरिटाइम एक्सरसाइज बीस से बाईस मार्च दो हजार तेईस तक कोंकण कोस्ट और अरेबियन सी में ऑस्ट्रेलिया यूके जापान यूएसए या फिर फ्रांस मैं सेशन से रिलेटेड पूछ रही हूँ एक सेकेंड दोस्तों हाँ ये करूर व्यासिया बैंक कहां गया चलो अभी करूर बैंक मैं केरल कह रही थी इट इज इन तमिलनाडु ठीक है करूर तमिलनाडु में ठीक है चलो अब देख लेते हैं अगला यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है ऑथर ऑफ न्यू बुक टाइटल्ड बिपिन द मैन बिहाइंड यूनिफॉर्म ठीक है फटाफट आंसर्स करते चलो

प्रधानमंत्री मोदी जी ने डेडिकेट किया और फाउंडेशन स्टोन रखा है तमाम प्रोजेक्ट्स का जिनकी कीमत 1780 करोड़ तक की थी ऑन द ओकेजन ऑफ वन वर्ल्ड टीवी समिट ठीक है आपसे पूछा जा रहा है कि ये सारा काम कहां पर किया गया है ऑप्शंस में पटना वाराणसी आगरा नई दिल्ली या फिर चंडीगढ़ बताइएगा

कंडक्ट किया था कौनकर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एक्सरसाइज है बीस से बाईस मार्च तक किया गया है ऑस्ट्रेलिया यूके जापान यूएसए या फिर फ्रांस इसमें मुझे कुछ आंसर्स मिल रहे हैं यूके यूके करके ठीक है कौनकन जो कि एक ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है इसको किया गया था रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन और इंडियन नेवी के द्वारा ठीक है देखो आ, कुछ पर्टिकुलर मैरीटाइम एक्सरसाइजेज है जो आपसे कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं ठीक है थीके? एक और बात को बहुत ध्यान से देखिएगा कभी भी कोई भी ऐसी एक्सरसाइज होती है 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 जो कि बिल्कुल है, बिल्कुल ऑल न्यू डिफरेंट तो वहां से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं उस पर जरा आप लोग फोकस किए रहिएगा ठीक है तो आप लोग जितनी भी डिफेंस एक्सरसाइज है इसका मैं एक लिस्ट आप लोगों को पूरा दे दूंगी जो भी डिफेंस एक्सरसाइजेस अभी हाल फिलहाल में हुए हैं इसको एक बार ही देख लेना बिकॉज एडियो का जो पेपर आता है अभी तक अगर आप लोग देखो बहुत हाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी के साथ नहीं आए करंट अफेयर्स क्वेश्चन डूएबल थे तो अगर ऐसे क्वेश्चन मिस करके आओगे ना हमेशा आपको लगेगा कि क्या मिस कर दिया क्या कर दिया ठीक है इसलिए इन्हें अच्छे से देख करके जाना आप सभी लोग अगला देखो किसके साथ में वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट एक स्ट्रेटेजिक अलायंस किया है ताकि प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट किया जा सके लेबर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एरियाज में नास्कोम नीति आयोग सीआईआई आई आई नन इनमें से किसके साथ में ये किया गया है मुझे आंसर मिल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की ठीक है साथ में किया था ठीक है एक स्ट्रेटेजिक अलायंस था एक एमओयू साइन किया गया था जिससे जो भी लेबर डेवलपमेंट है या ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है वो ये लोग अपनी एरियाज में कर सके अगला क्वेश्चन देखो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डायरेक्टर ठीक है, फॉलोइंग म्यूनिपल कॉरपोरेशन टू पे एन एनवायरमेंटल कंपनसेशन ऑफ हंड्रेड करोड़ ठीक है तो so, जो एनजीटी के आपके डायरेक्टर होते हैं इन्होंने किस पर्टिकुलर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को कहा है कि वो एनवायरमेंटल कंपनसेशन देंगे दस करोड़ का अहमदाबाद दिल्ली सूरत कोची म्यूनिसिपल या फिर पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन See, बोले तो दिल्ली आओ जरा देखते हैं जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इन्होंने कहा है कोची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि ये एनवायरमेंटल कंपनसेशन कमपंशे, देंगे सौ करोड़ का जो भी डैमेज किया है, इन्होंने एनवायरमेंट को बिकॉज ऑफ इट्स फेलियर टू हैंडल द सॉलिड वेस्ट ठीक है तो सॉलिड वेस्ट सही से हैंडल ना करने की वजह से ये प्राइस इन्हें पे करनी होगी बेंच कंप्राइजिंग चेयरपर्सन जस्टिस ए के गोयल ये आप लोगों के एनजीटी के डायरेक्टर भी होते हैं इनको भी याद रखिएगा तीन साल पहले हमेशा छाए रहते थे अगला देखो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है फॉर लिस्टिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन स्टेक एक्सचेंजेस ठीक है तो सरकार ने कहा इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको हम लिस्ट करेंगे जिसका नाम हम दर्ज करेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस पर पहला भी दिख रहा है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन सोलर एनर्जी या फिर नन डी यानी कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन से की है ना देखो जरा स्टॉक एक्सचेंजेस पर आईपीओ यानी कि कुछ परसेंट शेयर मार्केट में बेचे जाएंगे ठीक है तो इनकी लिस्टिंग की जाएगी अगला देखो वे वोज इंटरनेशनल आयुर्वेदिक कॉन्क्लेव ऑन द थीम वेटररी एंड आयुर्वेद इनग्रेटेड ऑन सेवनटीन ऑफ मार्च पटना हरिद्वार कोलकाता सूरत या फिर कुछ भी नहीं हरिद्वार हरिद्वार देख लेते हैं बेसिकली जो इंटरनेशनल आयुर्वेद कंक्लेव इसका थीम था वेटरनरी आयुर्वेद ये किया था ऋषिकुल कैंपस ऑफ आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी एट हरिद्वार ओके नेक्स्ट देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था कि ये सेटअप करेंगे कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को फोर फाइव सिक्स सेवन और एट देखो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया था कि ये सेटअप करेंगे पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क ठीक है ये तमिलनाडु तेलंगाना कर्नाटक महाराष्ट्र गुजरात मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर करने वाले हैं बेसिकली सेवन की बात की गई थी कि ये इतने पार्क को सेटअप करने वाले हैं ओके और इससे करना क्या है बेसिकली अपने वहां पे जो टेक्सटाइल है ना उसको और बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी ओके चलो अगला देखो हुन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूको बैंक इन मार्च दीपक मोहंती अमिताभ मुखर्जी राजेश मल्होत्रा अश्वनी कुमार या फिर नन

यूको बैंक के अंदर फिलहाल में कौन है सोमा शंकर प्रसाद ये कंप्लीट कर रहे हैं अपना टेन्यू थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च इसके बाद से नए जो आएंगे ये रहेंगे अश्विनी कुमार जी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्री यूनिफेस्ट का इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया बेंगलुरु में नरेंद्र मोदी नरेंद्र सिंह तोमर नितिन गडकरी अमित शाह या फिर नन क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से एग्री यूनिफेस्ट का इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया है बताइएगा बी अगर हम बी देखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा नरेंद्र सिंह तोमार जब भी एग्री करके कुछ आता है तो हम लोग को अपने आप ही तुमार साहब लगने लग जाते हैं ना चलो देखो जरा यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमार जी पंद्रह मार्च को इनोग्रेट किए थे एग्री यूनिफेस्ट कहां पर किया गया था बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर किया गया था ठीक है पांच दिन का कल्चरल प्रोग्राम है पच्चीस सौ से ज्यादा स्टूडेंट साठ अलग अलग यूनिवर्सिटी से यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं ओके खैर अगला देखो ऐप को प्रेस्टिजियस 13th एजेस ग्राहमबेल अवार्ड दिया गया भारत पे योनो हेलो जीवन, पी एन वन या फिर नन आंसर करो किस ऐप को अभी अवार्ड मिला है देखो हेलो उज्जीवन ऐप को 13th एजिस ग्राहम बेल अवार्ड दिया गया है इन इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक कैटेगरी ओके यस अगला देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिड इंडिया इशू स्टैंप टू मार्कलीशन ऑफ सेवेंटी फाइव ईयर ठीक है तो इन लोगों के आपस के जो अलायस है उसके सेवेंटी फाइव ईयर कंप्लीशन पे किस कंट्री के साथ में ये कम्पलीट हुआ है, तो इंडिया ने एक स्टैम्प इशू किया है लग्जमबर्ग रशिया ऑस्ट्रेलिया फ्रांस या फिर यूक्रेन जी आंसर्स मिल रहे हैं लग्जमबर्ग लग्जमबर्ग वो भी काफी तेजी में आंसर्स मिल रहे हैं चलो ग्रेट एंड गुड तो 75 इयर्स जो इनकी फ्रेंडशिप की है इंडिया और की इसको सेलिब्रेट करते हुए एक जॉइंट कॉमेमोरेटिव स्टैंप रिलीज किया पंद्रह मार्च दो हजार तेईस को ठीक है हाँ भाई अगला देखो किस मिलिट्री एक्सरसाइज को किया गया था इंडिया और सिंगापुर के द्वारा युद्ध अभ्यास गरुडा शक्ति बोल्ड कुरुक्षेत्र हैंड इन हैंड या फिर नन ओके okay. देखो जरा सिंगापुर आर्मी और इंडियन आर्मी ने मिलकर के बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज कंडक्ट किया था अब ये भी याद रखे कि ये इन दोनों कंट्रीज की आर्मी फोर्सेस ने किया था आर्मी एयरफोर्स और नेवी ऐसे भी क्वेश्चन बन हैं तो ये दोनों की आर्मी फोर्सेस ने किया है ठीक है चलो किससे सिलेक्ट किया गया है सरस्वती सम्मान दो के लिए फॉर हर बुक सूर्य वंशम जानकी विश्वनाथन ता शिव शंकरी सिंधु राजशेखरन या फिर नन अगर सिर्फ गरुड़ा है तो गरुड़ा फ्रांस के साथ में होता है ठीक है फ्रांस के साथ में तीन एक्सरसाइज याद रखे रहो गरुडा शक्ति और वरुणा गरुड़ा एयर शक्ति आर्मी और वरुणा नेवी चलो यहां मुझे आंसर्स क्या मिल रहे हैं शिवशंकरी जरा ध्यान दीजिएगा के के बिरला फाउंडेशन ने अनाउंस किया है कि जो तमिल राउटर राइटर है शिवशंकरी शिवशंकर इन्हें सरस्वती सम्मान दिया जाएगा 2022 के लिए इनकी किस मेमोर के लिए सूर्य वंशम के लिए अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय IQ Air, एयर वॉट इज द रैंक ऑफ दिल्ली ऑन द लिस्ट ऑफ 50 ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटीज में दिल्ली की क्या रैंक है वन टू थ्री फोर और फाइव थ्री अच्छा चलो देखते हैं अभी भी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट प्रिपेयर की गई थी आईक्यू एयर के द्वारा इसमें दिल्ली की रैंक क्या बताई गई है

सेवन सिटीज और वन कंट्रीज के बारे में चार इराक पाकिस्तान बहरान बांग्लादेश फाइव मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज है दो हजार बाईस की दिल्ली का एवरेज लेवल अब आप देख सकते हो ठीक है खैर और इसके अलावा ये जो पूरी रिपोर्ट थी इसको एक बार सभी लोग ध्यान से देख लेना इसमें आप लोगों को कुछ और भी चीजें मिलेंगी खैर चलो फिर अभी के लिए हम लोग इस सेशन को क्या करते हैं क्लोज करते हैं ठीक है थीके? कल मैं कोशिश करूंगी अगर पॉसिबिलिटी हुई तो मैं आप लोगों के साथ में अप्रैल का भी एक बारी डिस्कशन कर लूंगी वहां पे आप लोग जो है पूरी अप्रैल की रिवीजन कर लेंगे कब से कब तक कम से कम पंद्रह अप्रैल तक की रिवीजन हो जाएगी तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है ठीक है जो भी बीस पच्चीस क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे कर लेंगे ओके और एक और भी बात एग्जाम के लिए आशीर्वाद मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम लोगों के साथ है यार इसमें मांगना क्या है या कहना क्या है वो हमेशा तुम लोगों के साथ रहेगा ठीक है अच्छे से पेपर करना आई विल ट्राई कि मैं कल आप लोगों के साथ में ये डिस्कस कर लू अप्रैल वाला ओके आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगाओ फ्रूटफुल लगाओ बढ़िया लगाओ ठीक है और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो कि हाँ सच काइंड ऑफ सेशन इज देयर एंड पीडीएफ आप लोगों को फिर वहीं टेलीग्राम पर मिल जाएगी ओके हैव अ ग्रेट डे हेड पीपल जय हिंद जय भारत गॉड ब्लेस यू ऑल बाय बाय लव यू